то, и то впихнул мне 100 рублей. टैक्सी का कुछ भी लिया ही नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया और ले भी नहीं रहे थे। तो अभी बारिश पे हिचहाइकिंग चल रही है, छाता लेके अम्ब्रेला पकड़ के। अभी एक घंटा हो चुका है यहाँ पर खड़े खड़े। इवान को मैं बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ, मैं ढूंढ लूंगा अपने आप। जब तक मुझे लिफ्ट मिलेगी नहीं यार, मेरा कुछ सेटिंग नहीं होगा, वो यहाँ से जाने नहीं वाले। बोलो इतने अच्छे इंसान है वो। स्वाति बबल्स हो बिग स्वाति बबल्स हो। फाइनली जा रहे हैं। आज का दिन इतना टफ होगा मुझे पता नहीं था। 1 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 5 बज चुके हैं। करीब 4 घंटे पूरे होने वाले हैं, मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ। पूरे 6 घंटे बाद लिफ्ट मिली है, पूरे 6 घंटे बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं ओरियल सिटी में पहुंचा था हिचहाइकिंग करते करते, एंड एक इनक्रेडिबल इंसान को मिला था, टैक्सी ड्राइवर को। उनके साथ में यहाँ पर रात में घूमा, 2 बजे तक हम घूमे थे। फिर 2 बजे वहाँ से हम जो सिटी सेंटर में मुझे ले गए थे, वहाँ से फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल पे छोड़ दिया। फिर यहाँ पर मैं सो गया था रात को आके। ये हॉस्टल आपने पहले देख ही ली थी। यहाँ पर ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो हर्बल लाइफ के है, ये सारे प्रोडक्ट्स ये खाली डिब्बे पड़े हैं सारे। तो लगता है ये पर जो रात को हमें मिले थे वो जो बाबूश का यानी यहाँ पर दादी जी, लगता है ये यहाँ पर ये यूज़ करते होंगे। और ये खाली डिब्बे यहाँ पर बड़े वर्ल्ड वाइड कंपनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें रशियन लैंग्वेज में लिखी है। ये हॉस्टल मुझे पड़ा था 800 रुपये में, 800 रूबल में। ये थोड़ा महंगा पड़ा था पर हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है। पर मैंने तो कुछ यूज़ किया नहीं, ये 1 नाइट के लिए मैं रह रहा था यहाँ पर, तो मैंने कुछ यूज़ किया नहीं इनमें से। सब कुछ यहाँ पर है, गैस, ओवन, फ्रिज, चाय कॉफ़ी के लिए किटली, इलेक्ट्रिक एंड सब कुछ है, पर मैंने कुछ यूज़ किया नहीं। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, मुझे उठते उठते तैयार होते होते एंड सारा जो अपना बैग पैक करते करते एंड अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अब नीचे उतर के मुझे वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे कल मिले थे इवान, उनको मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। अगर वो फ्री होंगे तो मुझे लेने आएंगे, हाईवे तक छोड़ेंगे या तो फिर घुमाएंगे यहाँ ओरियल सिटी में। मुझे बता नहीं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं अगर फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाऊंगा, पर मेरे पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 3 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जा रहा है रशिया का, तो मुझे फटाफट 1-2 दिन पहले तो हमें निकल जाना चाहिए कंट्री से। फिर लास्ट में जल्दबाजी में निकलना उससे अच्छा है 1-2 दिन पहले निकल जाना अच्छा है। फिर से बैक टू हिचहाइकिंग करने का प्लान है। यहाँ से अब बेल्गो रोड है 300 किलोमीटर एंड जो कुरस करके एक सिटी है वो 160 किलोमीटर है। आज का मेरा प्लान ये है कि आज रात तक मैं बेल्गो रोड पहुंच जाऊँ, बेल्गो रोड में 1 नाइट का स्टे करूंगा। कल फाइनली मैं रशिया एंड यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करूंगा। तो मैं मेरे अभी रूम के बाहर हूँ, ये मेरे रूम को अपना लॉक कर दिया है। यहाँ पर जो की ये चाबी की सिस्टम है वो कैसे इनको देनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी डिफरेंट है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यूनिक। ये यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया एंड यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ नीचे ताला लगा हुआ है एंड यहाँ से मुझे ये चाबी अंदर डालनी है। अब चाबी हम बाहर नहीं निकाल सकते, जब इन लोगों के पास ये चाबी होगी ये बॉक्स खोलेंगे और चाबी इनमें से ले लेंगे। तो ये यहाँ की सिस्टम थी थोड़ी यूनिक। यहाँ पर कोई रिसेप्शन डेस्क नहीं है तो ऐसे हमें चाबी इन लोगों को वापस करनी होती है। बाहर आके तो पूरा मतलब मैं शॉक हो गया, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। अभी मैं यहाँ पर रुक के कॉन्टेक्ट करता हूँ इवान को और देखता हूँ वो क्या कहते हैं, मुझे हाईवे तक छोड़ते हैं कि नहीं। तो अभी मैंने इवान को कॉन्टेक्ट किया एंड मुझे बता था कि वो मना नहीं करने वाले, वो बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तुम वेट करो। मैंने कहा बारिश भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे पता नहीं कि कब तक मैं हिचहाइकिंग कर पाऊँगा, स्टार्ट कर पाऊँगा। जब बारिश के रुकने का मुझे वेट करना पड़ेगा। फाइनली इवान आ चुके हैं एंड बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी है, अभी थोड़ी कम हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी एंड ये पेड़ भी यहाँ पर गिर गया है देखो। तो अभी इनके साथ आके मैंने पहले मैकडोनल्ड्स में गया था एंड कुछ वेजिटेरियन बर्गर पार्सल ले लिया। अभी भी बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बर्गर खाते खाते म्यूजिक सुनते सुनते जा रहे हैं हाईवे की तरफ। दिख भी नहीं रहा, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है एंड ये मुझे बहुत ही आगे यहाँ पर आएंगे। деньги мне дает, прикинь, деньги мне дает. То есть он не понимает, что или мы сразу договариваемся на месте, то есть я тебе все это делаю за деньги, либо я тебе говорю, я тебе помогу без денег. Он мне в конце берет деньги дает. Ну есть совесть у человека. Мне кое что модный аб. И то впихнул мне 100 рублей, но я их взял только потому, что он хочет меня отблагодарить, а я не могу вот ему отказать. Его душа была спокойна. अब टैक्सी का कुछ भी लिया ही नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया और ले भी नहीं रहे थे। मैंने उनसे पहले 500 रुपये देने की मतलब कोशिश की, फिर मना कर दिया। फिर मैंने कहा कुछ तो रुको, फिर बहुत ही कहा तो 100 रुपये रखे बस खाली एंड अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे हाईवे तक कर अराउंड
15-20 किलोमीटर आगे तक आ चुके हैं हाईवे में और अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। हाँ, एक अच्छी जगह अभी मिली है। आई मीन बहुत ही मतलब यार हेल्पफुल इंसान है यार, क्या बताऊँ मैं आपको। एंड अभी यहाँ पर आए हैं हम, ये जो रास्ता है सामने से वो बेलगो रोड जाता है। तो अभी जो वहाँ पर हम गए थे वहाँ से थोड़ा आगे आए, यहाँ पर ऐसा बाहर बारिश हो रही है एंड यहाँ पर ऐसा बस स्टेशन जैसा है। यहाँ पर मैंने अपने बैग रखे हैं एंड इवन मेरे लिए हिचहाइकिंग कर रहे हैं अभी बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हें लिफ्ट नहीं मिलेगी मैं यहाँ पर रहूँगा। आई होप फटाफट लिफ्ट मिल जाए क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बारिश में हिचहाइकिंग करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। अभी इवन भैया ने बेलगो रोड का बोर्ड बना दिया है तो आई होप ये लक्की बोर्ड मेरा काम आएगा, लक्की बोर्ड मुझे जल्दी पहुंचा देगा बेलगो रोड। तो अभी बारिश में हिचहाइकिंग चल रही है, छाता लेके अम्ब्रेला पकड़ के बोर्ड पकड़ के हिचहाइकिंग कर रहा हूं। उल्टा है अभी फाइनली बारिश रुक चुकी है तो अभी आराम से हिचहाइकिंग कर सकते हैं। अभी करीब आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर युवान भी मेरे साथ लिफ्ट मांग रहे हैं। दो तीन कार रुकी थी पर वो यहाँ पर आगे कहीं 10-15 किलोमीटर तक ही जा रहे थे एंड अभी मैंने इनसे कहा कि आप चले जाओ मैं अपने आप ढूंढ लूँगा लिफ्ट, 5-10 मिनट और रुकेंगे ऐसे बोल रहे हैं। अभी एक घंटा हो चुका है यहाँ पर खड़े खड़े मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ, मैं अकेला लिफ्ट नहीं ले रहा हूँ। युवान यहाँ पर खड़े हैं बोल रहे हैं मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा तो कोई लिफ्ट नहीं देंगे, डेंजर लगता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अकेला ही यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा हूँ, युवान को मैं बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ मैं ढूंढ लूँगा अपने आप, जब तक मुझे लिफ्ट मिलेगी नहीं या मेरा कुछ सेटिंग नहीं होगा वो यहाँ से जाने नहीं वाले। बोलो इतने अच्छे इंसान है वो युवान सही में। अभी वहाँ पर तो लिफ्ट मिली नहीं तो अब मैंने इनसे कहा कि अगर आसपास में यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप हो तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर तो लिफ्ट मिलना आसान हो जाएगा। तो अभी हम कहीं पर पेट्रोल पंप या फिर कहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं आगे से। तो अभी हम एक गैस स्टेशन पर आए हैं, इस गैस स्टेशन पर एंड यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। युवान गए हैं वहाँ पर कुछ लेने के लिए, मेरे बैग यहाँ पर पड़े हैं। पेट्रोल पंप पर लोग आ रहे हैं बहुत सारे, पूछने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कोई जा रहा है बेलगो रोड या कुरस तक, तो यहाँ पर आसानी से लिफ्ट मिल जाएगी। आज का उनका पूरा दिन वो मेरे पे वेस्ट कर रहे हैं, सुबह से वो मुझे लेने आए पहले हॉस्टल पे, वहाँ पर पूरे 1-2 घंटे तक हमने लिफ्ट मांगी पर नहीं मिली लिफ्ट। अभी फिर यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आए हैं, अभी पेट्रोल पंप पर कोशिश करेंगे, अभी वो जाने नहीं वाले जब तक मुझे लिफ्ट नहीं मिलती। और अभी मैं उनसे कहूँगा कि अब जाओ पेट्रोल पंप से मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। उन्होंने मेरे लिए एक ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट किया है, एक कार आने वाली है यहाँ पर जो जाएगी बेलगो रोड तक, पर वो अभी 2 घंटे जितना टाइम है उनको आने में, तो यहाँ पर अगर मुझे लिफ्ट मिल जाएगी तो फिर उनको हम मना कर देंगे। तो फाइनली युवान जा रहे हैं यहाँ से अभी, और मुझे कहा है कि अगर लिफ्ट नहीं मिले तो मुझे बताना, जो वालरिया है वो यहाँ पर आएगी। बाय, приезжайте, я вас тоже покатаю, какие проблемы? Спасибо большое, Биг, спасибо большое. Давай, брат. Finally जा रहे हैं। अभी हमें उस तरफ ही जाना है पर वो यहाँ से टर्न लेने के लिए वहाँ पर गए, टर्न लेके फिर वहाँ से जाएंगे वो। अगर मुझे 2 घंटे तक लिफ्ट नहीं मिलती तो यहाँ से उनके एक फ्रेंड आने वाले हैं जो ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ है, वो उनके साथ मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। तो आई होप मुझे 2 घंटे में लिफ्ट मिल जाएगी, अगर लिफ्ट नहीं मिलती तो फिर मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास नंबर है युवान का, मैं कॉन्टेक्ट करूँगा और वो जो इनके फ्रेंड जो ऑनलाइन मिले थे वो यहाँ से आएंगे और मुझे लेते जाएंगे आगे बेलगो रोड या कुरस तक। तो अभी मैं अकेला यहाँ पर लिफ्ट मांगने चालू करता हूँ और देखते हैं कि मिलती है कि नहीं लिफ्ट। आज का दिन इतना टफ होगा मुझे पता नहीं था। 1 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 5 बज चुके हैं, करीब 4 घंटे पूरे होने वाले हैं मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ। युवान भी चले गए हैं यहाँ पर, युवान चले गए उसके बाद 1 घंटा हो गया है मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग आ रहे हैं बस, मतलब 10-15 मिनट में एक गाड़ी आ रही है पर कोई मतलब बता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, पर सब यही बोल रहे हैं कि हम दूर तक नहीं जा रहे हैं नज़दीक में ही जा रहे हैं। तो बता नहीं सब लोग क्यों नज़दीक में जा रहे हैं, यह नहीं समझ आ रहा। तो आज का दिन काफ़ी टफ होने वाला है हिचहाइकिंग में, बता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। वो जो वहाँ पर एक छोटी सी बस खड़ी है उनसे जाके मैंने पूछा, ये शायद आज की मेरी 7वीं या 8वीं ट्राई होगी कि मैं पूछ रहा हूँ क्या कोई कुरस या फिर बेलगो रोड जा रहे हैं, 7वें या 8वें जो ये पर्सन है जो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मैं 15-20 किलोमीटर तक ही जा रहा हूँ। बता नहीं जो भी रुक रहे हैं या जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सभी 15-20 किलोमीटर तक जा रहे हैं। चल क्या रहा है ये मेरे साथ आज, जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज अभी हो रही है मुझे, पूरे 6 घंटे बाद लिफ्ट मिली है, पूरे 6 घंटे बाद। वहाँ जो टेम्पो खड़ा है
वहाँ ले पी लिए, मैं वहाँ पर खड़ा था। फिर इस टेम्पो वाले भाई का टेम्पो देखा मैंने, पीछे यह यूट्यूब का सिंबल देखा, तो मैं इनसे पूछने आया था कि क्या आप जा रहे हो बेलगो रोड पर, ये भैया वापस जा रहे हैं मॉस्को। फिर यहाँ पर मैं चेकिंग कर रहा था, जस्ट खड़ा रहा वहाँ पर मैं, और पहला ही टेम्पो वहाँ पर खड़ा हो गया। अभी बैठ के बता करते हैं कि कहाँ बेलगो रोड तक जा रहे हैं कि नहीं। फाइनली भैया ने मुझे, इन देदुष्का ने, दादा ने मुझे लिख दिए इन्होंने मुझे लिख दिए वोला स्वासी बा बोल। अभी अभी मैंने उनसे पूछा कि कहाँ तक जा रहे हैं, फाइनली बेलगो रोड तक की मेरी लिफ्ट मिल चुकी है। ये भैया बेलगो रोड भी जा रहे हैं देदुष्का। अभी रास्ते में यहाँ पर हम पेट्रोल के लिए रुके हैं, यहाँ पर अपने आप पेट्रोल को रिफिल करना होता है, कोई होता नहीं है यहाँ पर। तो रात को 9 बजे मैं पहुँचूँगा बेलगो रोड, एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड कर दी है मैंने काउच सर्फिंग के लिए, पर अभी तक एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो देखते हैं कि अगर कोई ना मिले तो फिर हॉस्टल में वहाँ पर रुक जाऊँगा, पर रात को 9 बजे तो बॉर्डर क्रॉस कर नहीं पाएंगे हम, तो कल मॉर्निंग में फाइनली बॉर्डर क्रॉस होगी हमारी। अभी इस पेट्रोल पंप के पास हम पहुँचे हैं कुरस में, जो वहाँ से ओरियोल से 150 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ से बेलगो रोड 150 किलोमीटर और है। ये जो है कुरस का बाईपास है, बाईपास रोड होता है ना इंडिया में ऐसे, यहाँ पर भी बाईपास रोड होते हैं। कुरक सिटी वहाँ पर अंदर है, एंड अभी कुरक को छोड़ के हम जा रहे हैं बेलगो रोड। रात के 9 बज चुके हैं, एंड बस अब बेलगो रोड 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो फाइनली चाचा ने देदुष्का ने यहाँ पर छोड़ा है, सिटी के बहुत ही अंदर छोड़ा है। यहाँ से बस मेरा होस्ट का घर करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, एंड चाचा को भी यहाँ पर जाना है, बड़ी मैगजीन है। ये यहाँ पर रुकेंगे और कहीं सिटी के बाहर निकल जाएंगे। अभी यहाँ से मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ अपने होस्ट के घर जाने का, टैक्सी देखता हूँ अगर टैक्सी मिल जाए तो। और जो मुझे गुड न्यूज़ देनी थी वो यही थी कि मुझे होस्ट मिल गया है यहाँ, क्योंकि काफ़ी मैं ट्राई कर रहा था बहुत दिन से कि मुझे होस्ट मिल जाए, पर होस्ट मिल नहीं रहे थे। तो अभी अभी मैंने अपने होस्ट के घर जाने के लिए टैक्सी बुक की है। वहाँ पर मैं था अभी, जो मैगजीन है वहाँ पर मुझे उतारा था उस चाचा ने, ट्रक वाले। अभी इतना दूर आया हूँ यहाँ मेन रोड से, मैंने टैक्सी बुक की है। अभी 4-5 मिनट में टैक्सी आ जाएगी और मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलाऊंगा अपने बेलगो रोड के होस्ट से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।